हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव आइडियाज़ बाय स्वाति। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जैसो की रेसिपी कि हम जैसो कैसे बनाएं घर पर होममेड जैसो। जैसो होता क्या है? जैसो होता है एक तरह का पेस्ट जो हम किसी भी चीज़ में जब हम पेंटिंग करते हैं तो उसके बेस में हमें लगाना होता है, जिससे कि वो उसके कलर्स और भी उभर कर आएँ। तो उसके लिए हमें चाहिए बेबी पाउडर और वाइट अक्रेलिक पेंट या कोई भी आप पेंट यूज़ कर सकते हैं इसमें, और फेविकोल एंड थोड़ा सा पानी। आप इसमें से यहाँ पर कोई भी किसी भी कंपनी की चीज़ यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे हिमालय का बेबी पाउडर लिया है, फेविकोल लिया है और ये अक्रेलिक कलर लिया है वाइट। और यहाँ पर मैंने एक ले लिया है वेस्ट कंटेनर, एयरटाइट कंटेनर ले लिया, जिसमें मैं जैसो बनाकर रखूँगी, स्टोर करूँगी। तो अभी मैं इसका सबसे पहले इसका ये रैपर हटा लेती हूँ। यहाँ पे मैंने एक ये छोटा सा, मेरे पास ये वेस्ट पड़ा हुआ था, ये क्ले का जो ये आता है कप, ये मैंने ले लिया है मेज़रमेंट के लिए। तो ये मैं दो बार इसको पूरा भर के ये ऐड करने वाली हूँ इसमें बेबी पाउडर। यहाँ मैंने हिमालय का बेबी पाउडर यूज़ किया है, आप कोई और भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये दो पार्ट्स मैं ले रही हूँ बेबी पाउडर के, ये हो गया वन पार्ट। तो ये इसमें डाल दूँगी मैं और एक बार और ले लूँगी इतना ही। ये स्मॉल वाला कप ले रखा है मैंने, तो इसमें मैंने ये दो कप मैंने ये ऐड किया है, और इसका वन पार्ट लेना है मुझे इसमें फेविकोल। किसी भी टाइप का पीवीसी ग्लू भी ले सकते हैं, कोई भी ग्लू यूज़ कर सकते हैं आप इसमें, मैंने फेविकोल यूज़ किया है। ये जितना हमने बेबी पाउडर यूज़ किया है उसकी हाफ अमाउंट हमें फेविकोल की लेनी है, और इतनी ही अमाउंट हमें लेनी है अक्रेलिक कलर की, वाइट अक्रेलिक कलर यूज़ करना है हमें। जैसो एक्चुअल में होता क्या है? जैसो होता है एक पेस्ट होता है जो हम कोई भी, जब हम पेंटिंग करते हैं, चाहे वो हम कैनवास पे करें या हम किसी बॉटल पे करें, ग्लास बॉटल पे, किसी भी तरह का, इस तरह का हम DIY करते हैं, तो उसका जो बेस होता है उस पर हम लगाने के लिए जैसो का यूज़ करते हैं। ये मार्केट में बनी बनाई भी मिलती है, और होममेड जैसो की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड कॉमेंट्स में मुझे बताइएगा कैसी लगी। और अगर कोई क्वेरी भी हो तब भी आप पूछ सकते हैं मुझसे। तो अब ये मैंने दोनों चीज़ मिक्स कर लिया। तीसरी चीज़ अब मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ वाइट अक्रेलिक पेंट। तो ये भी मुझे ये पूरा एक कप लेना है इसमें, ये टू पार्ट मैंने इसमें लिए हैं बेबी पाउडर, वन पार्ट मैंने इसमें लिया है फेविकोल एंड वन पार्ट मैं इसमें ले रही हूँ ये वाइट पेंट। ये भी मैं इसमें ऐड कर लूँगी। और अब इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अभी थोड़ा ये थिक हो रहा है, तो अभी ऐसा थिक नहीं होना चाहिए, ये स्मूथ होना चाहिए। तो इसके लिए हम इसमें ऐड करेंगे बहुत थोड़ा सा पानी डालेंगे मैं इसमें। ये ठीक हो रहा है तो इसमें भी पानी और ऐड करना है मुझे। ये देखिए ये होममेड जैसो हमारा रेडी है यूज़ करने के लिए। हल्का सा थिक है तो बहुत हल्का सा मैंने इसमें पानी और ऐड किया है,
जिससे कि इजीली हम कर सके किसी भी चीज़ पे। हम जब कोई भी वेस्ट मटेरियल को डेकोरेट करते हैं, जैसे कि ग्लास बॉटल हो गई, प्लास्टिक बॉटल हो गई, या ग्लास का जो जार होता है वो हो गया। अभी मैं आपके साथ एक वीडियो और शेयर मैंने की है इससे पहले, मैंने वो जैम बॉटल उसमें डेकोरेट की हुई है, तो मैंने उसमें भी जैसो का यूज़ किया है, आप देख सकते हैं। तो देखिए हमारा जैसो यूज़ करने के लिए बिल्कुल रेडी है। मैंने यहाँ पर लिया है, ये भी होममेड कैनवास है, इसकी वीडियो बहुत जल्दी मैं आपके साथ शेयर करूँगी विद इन 1 or 2 days। तो अभी हम इस पर अप्लाई करेंगे पूरा अच्छे से। देखिए इसका जो मेन रीज़न है जैसो का यूज़ करने का, वो ये है कि जैसो यूज़ करने के बाद जब आप कोई भी इस पर आप कुछ बनाएंगे तो जो उसके कलर्स हैं वो एकदम खिल के आएंगे, अदरवाइज़ वो थोड़ा, अभी आप इसमें फ़र्क देख सकते हैं। क्योंकि जिस मटेरियल से मैंने ये बनाया है कैनवास, उसमें हल्के हल्के से होल होते हैं, और जब मैं ये इस पर जैसो का कोट कर रही हूँ तो ये सारे होल्स इससे बंद हो जाएंगे और एक स्मूथनेस आ जाएगी इस कैनवास पे। अभी मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये मैंने कंप्लीट कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं कितना इसकी स्मूथनेस एकदम बढ़िया हो गई है। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ बिना जैसो की कोटिंग का कैनवास, ये कोटिंग हुआ हुआ है। और ये देखिए ये वाला है बिना कोटिंग का, इसमें हल्के हल्के से इसमें आपको छेद नज़र आएंगे। तो वैसे आप चाहें तो आप बिना इसके भी यूज़ कर सकते हैं, बट ये परफेक्ट आपका आएगा, जो कलर आएगा, इसलिए जैसो यूज़ करते हैं आर्टिस्ट लोग। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और कोई भी अगर क्वेरी होती है इसकी रिगार्डिंग तो आप डिस्क्रिप्शन वो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका आंसर ज़रूर दूंगी। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। देखिए अब मैं इसको रख रही हूँ उठा के, तो अभी ये मेरे 2 बार शायद अभी और काम आ सकता है, मेरे 2 या 3 बार मैं इसको अभी और यूज़ कर लूँगी। आप चाहें तो इसको ज़्यादा क्वांटिटी में भी बना सकते हैं, बस वो ये 2 पार्ट इसके पाउडर लेना है और उसी का हाफ हाफ पार्ट आपको बाकी की 2 चीज़ें लेनी है। तो इट इज़ रेडी टू यूज़। और हाँ फ्रेंड्स, अभी ये जो होममेड कैनवास है इसकी वीडियो भी मैं आपके साथ बहुत जल्दी शेयर करने वाली हूँ, तो प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू वॉच मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। ओके बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।